रांची का टैगोर हिल झारखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। सीढ़ियों के जरिए पत्थरों के इस पहाड़ को चढ़ा जा सकता है, जहां से पूरे रांची शहर का नज़ारा देखा जा सकता है। बताया जाता है कि यहां हर पत्थर पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और उनके परिवार की यादें जुड़ी हुई है। हमारे जो कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर है, तो वो बहुत ही ज़्यादा कला प्रेमी थे। कला के हर एक क्षेत्र में उन्होंने अपनी कृतियाँ दिखाई है। नोबेल पुरस्कार से उनको नवाजा गया है और उन्होंने संगीत के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला ड्राइंग के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में लगभग अपना प्रतिभा निखार चुके हैं। और अभी आज यहाँ हम सबके साथ नहीं है, लेकिन वो अपने कला को ऐसे बिखेर गए हैं पूरे विश्व में कि सभी को इस कला के प्रेम में सबको जकड़ के गए हैं। और हम लोग बंगाली परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा कला प्रेमी हैं। और इस रविंद्रनाथ के स्मृति में झारखंड सरकार कला मंदिर द्वारा, झारखंड सरकार सांस्कृतिक खेलकूद आयोजक द्वारा हर एक संडे को लगभग कुछ महीनों से यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। अब यहाँ हर रविवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम होने लगा है। इसमें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के गीत संगीत पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। एक ओर इंटरनेट की दुनिया में वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा है, वहीं अब भी कई लोग ऐसे हैं जो अपनी धरोहर को जिंदा रखने के लिए वक्त निकालते हैं, और साथ ही बच्चों और युवाओं को भी भारतीय संस्कृति की विरासत को जानने और सीखने का मौका मिलता है। रविंद्रनाथ टैगोर कल्चरल का बहुत सारा महत्व बताया है। उनमें से एक है ये, जितना भी सारा एजुकेशनल फील्ड्स है, मतलब जॉब वगैरह का फील्ड है, इसमें एक ना एक कल्चरल गुण होना ज़रूरी है। और जितना सारा आप कल्चरल जानते हैं, उतना ज़्यादा आप एडवांस्ड होते हैं, उतना जल्दी आपको हर जगह फील्ड में काम मिलता है। कल्चरल का ये सब बहुत फ़ायदा है। ऊपर से आप ये सब चीज़ से फेमस भी हो सकते हैं। अगर आप यूट्यूब में कल्चरल लेके बनाएंगे तो फिर इससे आप बहुत फेमस हो सकते हैं, फिर जॉब भी बहुत मिल सकता है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आज के हमारे युवाओं को इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारा जो लोक संगीत है, जिसमें हमारा सब कुछ जीवन आधारित होता है, हमारे जीवन की कहानी आधारित होती है, उसको समझना पड़ेगा हमको। लोक संगीत शास्त्रीय संगीत में ही सब कुछ है। आज हिंदुस्तान में जितने लोग युवा लोग जितने शास्त्रीय संगीत को महत्व नहीं देते हैं, सीखने की ओर अग्रसित नहीं है, पाश्चात्य लोग, विदेश के लोग आकर यहाँ शास्त्रीय संगीत सीखते हैं, यहाँ के लोक संगीत को सीखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। लोक में रहना, लोक में मतलब रहना मतलब हमारी संस्कृति में रहना, हमें संस्कृति को बचा कर रखना है, ये युवाओं की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। लोक संगीत से हम जुड़े रहेंगे तभी हम अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे, तभी हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा पाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है और आज के युवाओं को ये बात समझना पड़ेगा। झारखंड सरकार की कला संस्कृति विभाग के द्वारा अब इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन को सहयोग भी मिलने लगा है। आप देखते रहिए लोकल खबर।